आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में। चलिए चलकर बात करते हैं बहल के बारे में, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में। कुछ तो बड़ा चल रहा है, इसमें दो बहुत बड़े ऑर्डर मिले हैं। आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या है सपोर्ट और क्या होगा रेजिस्टेंस इस शेयर को अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अगर सबसे पहले बात करें इनके जो बड़ा प्रोजेक्ट मिला है हाइड्रो, आपको लगता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और हाइड्रो पावर अब ऑलमोस्ट निल के बराबर है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये इनके पोर्टफोलियो का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। स्पेशली आपके अगर नदन रीजन में बात किया जाए, जहां एनसीआर रीजन में हम हैं, ऊपर हिमालय से बहुत सारी रिवर्स आती हैं, उनका वाटर कलेक्ट करके दे कैन जनरेट लॉट ऑफ एनर्जीज। तो इनकी अगर हम बात करें, सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए अगर आप अपने घर में लाइट जला रहे हैं तो हर तीन घरों में से एक घर में बिजली किसी ना किसी तरह से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के इक्विपमेंट से या उनके ट्रांसमिशन से आई होगी। इनके पास रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए बहुत बड़े तरह पैमाने पर काम किया जाता है और रेलवे की पावर के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया तरह से काम किया है। इंडियन डिफेंस सिस्टम में भी इन्होंने बहुत खास भूमिका निभाई है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है तो वो इनके बगैर मदद के नहीं हो सकता है। अब अगर इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखा जाए तो देखिए दोस्तों, इनके पास में ना ही सिर्फ पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ में वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन जैसे बताया इंडियन रेल के लिए काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर अपना डाइवर्सिफिकेशन रखा है जो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रहेगा। तो देखिए जो हमने बताया है हाइड्रो पावर जो बना है इनको वाटर पावर एंड डैम कंस्ट्रक्शन के रेफरेंस में, तो आंध्र प्रदेश में इन्होंने पोलवरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में जो इनका है 12 टाइम्स 80 मेगावाट की कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में और नीचे तेलंगाना में भी और नीचे सदर्न स्टेट्स में इनको बड़े प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। जो इनके इक्विपमेंट चलते हैं वो नीचे मध्य प्रदेश तक सब जगह रीजन में चेन्नई तक बहुत बड़े लेवल पर मिलते हैं। जो दूसरा इनको पास बड़ा ऑर्डर मिला है वो NPCIL से मिला है, जिसके लिए उन्होंने यहां पर PHWR इक्विपमेंट्स किए हैं NPWCL। ये क्या है, ये एक इफेक्टिवली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL ने सप्लाई ऑफ 32 रिएक्टर्स जो कि यहां पर इनका असेंबली होगी पूरी की पूरी, वो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर इसके बारे में ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये भी यहां पर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे और जो कॉस्ट है करीब करीब 16 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की कॉस्ट है। तो ये यहां पर अगर हम बात करें कितने परसेंट हमारे हैं, यहां पर करीब 73% PHWR बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया में, जो बेल की सप्लाइड टर्बाइन एंड जनरेटर सेट से काम करते हैं। कहां कहां है, राजस्थान, गोरखपुर, हरियाणा, चारों राज्यों में यहां पर इन्होंने काफी बड़े लेवल पर काम किया हुआ है, गुजरात में, राजस्थान में। तो ये एक बड़े लेवल पर इनके प्रोग्राम चल रहे हैं जो आगे आने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जहां भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलेंगे इनको यहां से उनका सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर हम बात करें आगे आने वाले समय में क्या प्रक्रिया हो सकती है इस स्टॉक की, तो देखिए दोस्तों डिमांड एवरग्रीन है पावर सेक्टर की, आगे आने वाले समय में पावर की डिमांड बढ़ती रहेगी और उन्होंने ग्रीन एनर्जी में भी काम करना शुरू कर दिया। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब अगर हम देखें यहां पर कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर इसकी कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करीब करीब 13,000 करोड़ की है, तो एक मिड कैप की तरह से इसको ट्रीट कीजिए। और अगर इसका इनकम स्टेटमेंट देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग थोड़ी सी कम है, इस सितंबर 2020 में अर्निंग रिलेटिवली कम है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 63% की प्रमोटर होल्डिंग है, डीआई ने 13% रखी है, एफआईआई के पास 4% और पब्लिक के पास करीब करीब 19% की होल्डिंग यहां पर बना के रखी हुई है। अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देखें तो टेक्निकल रूल हमारे चैनल का 5 रूल हमेशा याद रखना दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर पता लगेगा कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए और कहां लेवल पर आपको खरीदना है। सुबह बहुत तेजी का रुख रहा, 40 तक गया, 40 के बाद कंटिन्यूअसली ड्रॉप रहा 39 तक और उसके बाद बंद होते 39-35 के आसपास जाकर बंद हुआ है। अगर इसको डेली बेसिस पर देखा जाए, मैकडी ने क्लियर कट बाय सिग्नल दिया है, मोमेंटम लूज हो रहा है और सुपर ट्रेंड का गैप भी कम होता जा रहा है, ₹34.90 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से काम करेगा इसका। एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर ₹37 का सपोर्ट है, तो यहां पर बहुत डाइवर्सिफिकेशन है दोनों में और लग रहा है कि ₹37
एक शॉर्ट टर्म के लिए टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है 37 रुपए पे कीजिए, अभी करंट 39 पर मत कीजिएगा। बुलिंजर बैंड ने इसको एक्सपेंड किया है और देखिए 37 लेवल यहां भी आ रहा है, 37 से 37.50 के आसपास लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये प्राइस यहां इस रेंज में आ जाना चाहिए। अगर आरएसआई देखें तो 67 है, ये इसका क्लियर मतलब है कि यहां पर अभी हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ और तेजी रहे, पर फिर उसके बाद हो सकता है करेक्शन आए। कंक्लूजन की दृष्टि से आप इसके स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, 37 रुपए के आसपास आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और 32 रुपए 50 पैसे का आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसमें आप अपनी कैश के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और हम इसमें बहुत अच्छे से बुलिश है हमारे हिसाब से। अगर आप इसको अपने पास रखेंगे तो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर इसका टारगेट 50 रुपए हो सकता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं डे बाय डे हर दिन का एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और ट्रेड कराई जाएंगी, इस प्रोग्राम के लिए आप एनरोल कर सकते हैं 8,000 रुपए चार्जेस जनवरी मंथ के डिस्काउंट के लिए। जय हिंद जय भारत, आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत है। बाय गाइस।